क्योंकि यार अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि रात के 9:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक आपको मिर्ज़ापुर का सीजन 3 देखने को क्यों नहीं मिला है। अब देखो मैं सब सीधे बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना वो उन्होंने ये कहा है कि आज रात की जो है ना 9:30 बजे तक जो है ना मिर्ज़ापुर का जो सीजन 3 है वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है, बिल्कुल ही बुरी खबर है, बिल्कुल ही खराब खबर है। क्योंकि देखो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्ची खबर तो हमारे पास है जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका है कि आखिर इसकी एग्जैक्ट रिलीज टाइम क्या है। और मैं बता दूँ कि ये 4 जुलाई को नहीं रिलीज होगा भाई, इसके रिलीज टाइम 5 जुलाई है, तो फिर ये 4 जुलाई को कैसे रिलीज हो जाएगा? और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, तो फिर क्या मिर्ज़ापुर का जो सीजन 3 वो कैंसिल हो चुका है या फिर वो नहीं आएगा या फिर इसको और डिले कर दिया गया? तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ये 4 जुलाई को नहीं बल्कि इसकी तो रिलीज डेट है 5 जुलाई, तो फिर ये 5 जुलाई को रिलीज होगा और ये 5 जुलाई को रिलीज होगा रात के 12 बजे। हाँ, जैसे 4 जुलाई से जो है ना 5 जुलाई बजेगा, यानी कि आज रात के जैसे ही 12 बजेंगे तो फिर उसी 10-15 मिनट के आगे पीछे जो है आपको रिलीज होता हुआ दिख जाएगा मिर्ज़ापुर का सीजन 3, जिसके कि सारे के सारे एपिसोड जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगे प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। और इसमें होने वाले हैं टोटल में 10 एपिसोड, यानी कि 10 एपिसोड। तो फिर हाँ, आपको करीब 9, 9.5-10 घंटे तो इसको देने ही पड़ेंगे सीरीज को पूरा देखने के लिए। लेकिन हाँ, मजा जरूर आने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और कालीन भैया भी होंगे, मुन्ना भैया शायद। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारे मुन्ना भैया इसमें आपको देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन।